वजाइना एक ऐसा फीमेल ऑर्गन जिसके बारे में जानने के लिए बहुत से लड़के आदमी लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं। ये एक ऐसा बॉडी ऑर्गन है जिसके बारे में फीमेल के भी बहुत सारे मिथ्स और डाउट्स रहते हैं। वजाइना फीमेल बॉडी का एक ऐसा अंग जो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। वजाइनल ओपनिंग सेक्स और इंटरकोर्स करने के लिए इस्तेमाल होती है। वजाइना एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बारे में कॉमनली बात करना कोई बात नहीं करना चाहता है इसके बारे में, या खुल के बोलने में अभी भी लोगों को जोर आता है। योनि के बारे में अगर हम बोले या वजाना के बारे में हम बात करें तो लोगों को बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्यूरियोसिटी है जो वो खुल के नहीं पूछ पाते हैं। या जब हम सेक्स एजुकेशन के बारे में भी बात करें तो एक माँ भी अपनी बेटी को खुल के इस बारे में नहीं बताती है। जब पीरियड्स या मासिक धर्म होता है तो भी खुल के इसकी साफ सफाई के बारे में भी बताने में कभी कभार माताएं बिल्कुल बिल्कुल पीछे रह जाती हैं। आज मैं आपको ऐसे मिथ्स बताने वाली हूँ, ऐसी भ्रांतियां बताने वाली हूँ जो यूजुअली लड़कियों को अपने वजाइना अपनी योनि से संबंधित होती हैं। इस बारे में खुल के बात नहीं की जाती। जो इसकी भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं, वो लोगों में इतने ज्यादा चल पड़े हैं कि फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके उसके सही प्रूफ करने के लिए हम बहुत सारे गलत लिंक्स में पड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हूं और मेरा एक्सपर्टीज फील्ड सेक्सुअल काउंसलिंग है। ये टॉपिक मुझे बहुत सर्च करने के बाद बोलने का मन किया है क्योंकि मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बहुत खुल के एडवोकेट अब की जा रही हैं, लेकिन फीमेल अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या उससे जुड़ी हुई भ्रांतियों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। ये वीडियो सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, जबकि मेल्स के लिए भी हैं, चाहे वो एज अ पार्टनर हैं, बॉयफ्रेंड हैं, हस्बैंड हैं, पेरेंट हैं। ये बातें, ये भ्रांतियाँ उन्हें भी समझनी चाहिए ताकि वो अपने पार्टनर, अपने बच्चों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इन्हें ओपनली एडवोकेट कर सके। और ये वीडियो सेक्सुअल एजुकेशन की सबसे बड़ी मिथ बस्टिंग वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि शेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, स्पेशली अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि बहुत सारी और ऐसी मिथ बस्टिंग वीडियोस लेकर सेक्सुअल काउंसलिंग से रिलेटेड मैं आपसे मिलती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बता रही थी वजाइना के बारे में। वजाइना बोलने में जितना जितना ज्यादा बड़ा है उतना उसके बारे में बात करने पे इशू है। योनी वजाइना सेक्सुअल इंटरकोर्स का सबसे ज्यादा अराउजल इंक्रीजिंग प्लेस है। यहीं से ही पेनिस की पेनिट्रेशन होती है और फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो नॉर्मल ड्यूरेशन है उसे इंजॉय किया जाता है। वजाइनल ओपनिंग बेबी के डिलीवरी का सबसे लास्ट पाथवे है जहां से बच्चा बाहर आता है नॉर्मल डिलीवरी के दौरान। वजाइना की केयर, उसका डिस्चार्ज, इससे रिलेटेड लोगों को बहुत सारे मिथ्स हैं जो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करना चाहूंगी। और अगर आपके साथ ऐसा होता है या आप ऐसा महसूस कर रही हैं तो कितना ध्यान देने की जरूरत है, कितना ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, किस डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए, पहला मिथ जो हमने समझना है कि वजाइनल ओपनिंग्स के लिए, वजाइना की क्लीनिंग के लिए किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स का यूज करना जरूरी नहीं है। बहुत से प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं जो क्लीनिंग के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, चाहे वो वी वॉश है, चाहे बहुत से और इंटीमेट एरिया क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं कि आपको बहुत अच्छी स्मेल आने वाली है, आप फूलों की तरह महक जाएगा, आपको इचिंग नहीं होने वाली है।
अगर आपको लगता है कि हर वजाइना बहुत अच्छे से स्मेल करता है, उसमें से फूलों की स्मेल आती है और सिर्फ आप में से नहीं आती है, ऐसा नहीं है। हमारा वजाइना एक एल्कलाइन सॉल्यूशन, एक ऐसा लिक्विड पास करता है जो कि चिपचिपा, सफ़ेद या कई बार क्लियरलेस होता है, जो पीरियड्स के मिड में शुरू हो जाता है या पीरियड्स के बाद भी यूजली काफ़ी समय तक डिस्चार्ज होता रहता है, या प्रेगनेंसी के दौरान, या कभी कभार हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो भी होता रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें से फूलों वाली स्मेल क्यों नहीं आ रही है। आप उसके लिए वहां पे बहुत ज्यादा पाउडर लगाना शुरू कर दें, लोशंस यूज करना शुरू कर दें, या एक्स वाई जेड पैड्स खरीदने लग जाएं, या फिर पैंटी लाइनर्स खरीद लें, या टेम्पून्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या फिर ये सोचें कि भाई मैं इंटीमेट वॉश तो यूज करूंगी, इससे मुझे बहुत अच्छा लगने लगेगा, मेरा पार्टनर सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान मेरे से हैप्पी हो जाएगा और बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है, ऐसा जरूरी नहीं है। साथ साथ मैं एक और मिथ यहां बोलना चाहूंगी कि सोप्स का इस्तेमाल करना, कि मैं बहुत अच्छे से रगड़ूं अपनी वजाइनल ओपनिंग को सोप्स के साथ ताकि वो खुशबू देने लगे, ऐसा नहीं है। द ओनली थिंग यू नीड टू यूज व्हाइल योर वजाइना क्लीनिंग इज वाटर। अच्छे से पानी का इस्तेमाल करें। नहाते वक्त आप डेफिनेटली सोप यूज कर सकते हैं, बट ये नहीं है कि आप जब भी वॉशरूम जा रही हैं या यूरिन करने जा रही हैं तो बार बार उसे रगड़ने की जरूरत है। मोर ओवर, इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करने से इचिंग, इरिटेशन, पता नहीं किस तरह के केमिकल्स यूज हो रहे हैं, बढ़ सकता है। माइल्ड केयर एवरी टाइम पोस्ट सेक्शुअल एक्टिविटी, एवरी टाइम आफ्टर यूरिन, एवरी टाइम इफ यू हैव चेंज योर क्लोथ्स, I want you to just clean it thoroughly with water. पानी के साथ उसे अच्छे से साफ करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Moreover, अगर वजाना में सोप लगा रह जाता है या पाउडर लगा रहे हैं, that is a sign of an cervical cancer. तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा इस तरह के मिथ्स से दूर रहें कि खुशबू आ जाएगी और वॉशेस बहुत ज़रूरी हैं। नेचुरली वाटर का इस्तेमाल, साफ सफाई, यूजली जब आप पैंटीज रेगुलरली चेंज कीजिए, कहीं ट्रैवल होकर आ रहे हैं तो क्लीनिंग पे ज़्यादा जोर डालिए, अच्छे वॉशरूम का इस्तेमाल कीजिए, साथ साथ अगर वहाँ हेयर ग्रोथ है तो टाइमली उसे क्लीन करें। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप हेयर रिमूव कर लीजिए या शेव कर लीजिए, आई वॉन्ट यू टू हैव अ हाइजीनिक वजाइना ताकि आपको इन्फेक्शंस ना हो। दूसरा जो मिथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वजाइनल ओपनिंग से रिलेटेड, कि वजाइना में टैम्पून्स घुस जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। टेम्पून्स क्या है पहले मैं इसे बताऊंगी। टेम्पून्स यूजुअली पैड्स का एक सब्स्टिट्यूट है। टेम्पून्स आपको मार्केट में बहुत कॉमन मिलेंगे, इतना छोटा सा एक टेम्पून होता है। उस टेम्पून या मेंस्ट्रुअल कप्स भी मार्केट में मिलते हैं, उनका एक नॉर्मल ड्यूरेशन 5 to 6 hours होता है हैवी ब्लीडिंग टाइम पे। तब आप उन टेम्पून्स को जब अपने वजाइना में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो सारा जितना भी ब्लड है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मासिक धर्म में हो रहा है, उसको सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है फिर आप टेम्पून निकाल के, उसमें एक थ्रेड अटैच होता है, आप उसे निकाल कर फेंकेंगे, फिर नेक्स्ट टेम्पून यूज करेंगे। पैड्स के झंझट से बहुत अच्छी टेक्निक है टेम्पून यूज करना, लेकिन ये एक बहुत कॉमन मिथ है जो लोगों को टेम्पून नहीं यूज करने देता है या कप्स नहीं यूज करने देता है, कि अगर आप उसे टाइम से नहीं निकालेंगे तो अंदर गुम हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, आपके यूट्रस में चला जाएगा, गर्भाशय में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। टेम्पून सेफ हैं, मेंस्ट्रुअल कप सेम है, सेफ है, पैड सेफ हैं, ये सब सेफ हैं, ये सिर्फ एक डरावा है, सब सेफ है, बस आप टाइमली हाइजीनिक तरीके से उन्हें रिमूव कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आपने टेम्पून लगाया और 24 घंटे हो गए आपने रिमूव नहीं किया, आपका जो वजाइना है उससे ऊपर सर्विक्स आता है, यहाँ पे आप देखिए सर्विक्स आता है, तो सर्विक्स इतना क्लोज्ड ऑर्गन है कि उसमें कुछ ऊपर जा नहीं सकता, आ नहीं सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि वो टेम्पून तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप लंबे समय तक उसको बिना ध्यान रखे एक्टिविटीज कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हार्म दे सकता है। देन यू विल नॉट एबल टू फाइंड इट, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिस इज अनदर मिथ। थर्ड और सबसे ज्यादा मुंहतोड़ मिथ है जो मैं यहाँ लेडीज और लड़कियों को कहती हूँ समझने के लिए, कि जो हमारा वजाइना है उसमें कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता। होगा,
नेचुरली भी होगा, डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होता ही इसलिए है ताकि वो आपकी बॉडी में जो फाइटिंग कैपेसिटी है उसे इम्प्रूव करता है। अब क्या है कि जैसे ही आपकी पैंटीज पे या आपने कहीं वॉशरूम किया, आपने क्लीन नहीं किया, तो वहाँ पे इन्फेक्शन, तो हमारा वजाइना एक ऐसा हॉर्मोन, एक ऐसा डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है जिसमें ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जिसमें फाइटिंग कैपेसिटी होती है, तो वो इन्फेक्शन को फाइट करता है। तो उस तरह का डिस्चार्ज होना नेचुरली ओके है, अगर वो क्लियरलेस है, उसका कोई कलर सॉर्ट ऑफ नहीं है, और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, कभी कभी वंस इन अ फॉर्नाइट हो रहा है, एक बार के लिए आपकी पेंटी गीली हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इट्स कम्प्लीटली ओके, एंड डिस्चार्ज इज अ कम्प्लीटली ओके प्रोसीजर टू फाइट फॉर इन्फेक्शंस। तो डिस्चार्ज है, आप क्लीन करिए, यूजली जब आपके पीरियड्स होते हैं उसके मिड में ज़रूर डिस्चार्ज होता है, होने से पहले, होने के बाद हो सकता है, कंसीव करने के टाइम पे हो सकता है, जब आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, घबराहट होती है, या सेक्शुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, उस समय भी डिस्चार्ज हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप प्लीज़ क्लीनलीनेस का ध्यान दें और इस तरह के मिथ से बचें कि डिस्चार्ज नहीं होता है या बहुत ही अच्छा डिस्चार्ज होता है, बहुत ही स्मेली नहीं होता है, ध्यान रखना है। साथ साथ मैं यहाँ मेंशन करूँगी ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम, अगर बहुत ज़्यादा सफ़ेद पदार्थ निकल रहा है तो उसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। बहुत बार बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया होने लगता है आउट ऑफ स्ट्रेस, आउट ऑफ टेंशन, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। आपने कोशिश करनी है कि मैं एक बार, क्योंकि वजाना एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बारे में खुल के बात नहीं की जाती, तो आप बता नहीं पाते, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से नहीं मिल पाते हैं। कई लेडीज, रिसर्च बताती है कि कई लेडीज अपनी पूरी जिंदगी में शायद एक से दो बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं जबकि उनका डिलीवरी टाइम या प्रेगनेंसी होती है, अदरवाइज नहीं जाती। जबकि आफ्टर 30 वंस इन अ मंथ, वंस इन टू मंथ जरूरी है कि आप अपनी स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, वजाइनल कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उससे आप स्क्रीनिंग जरूर कराएं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत सारे मिथ्स को दूर करने में कामयाब रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगी कि वजाइनल टेयरिंग, इस पर भी बहुत जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊंगी जिसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, और आपको कभी भी सेक्सुअल काउंसलिंग की जरूरत हो, www.drneha.mehta पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं लाइव आती रहती हूँ, तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप लाइव सेशंस में भी मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर कर दीजिए प्लीज, और साथ साथ कोशिश ये करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।